इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगरा के अस्पताल में मौत की मॉकड्रिल वाले वायरल वीडियो पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने श्री पारस अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल को सील करने के साथ ही इसके मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इस अस्पताल के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि अस्पताल को 8 जून से बंद कर दिया गया है, यानी इस अस्पताल में अब किसी मरीज का इलाज नहीं होगा। अस्पताल सील है और बाहर पुलिस वाले भी तैनात हैं, क्योंकि कल यहां भारी हंगामा और जमकर मारपीट भी हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा के श्री पारस अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अस्पताल के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया है जिला प्रशासन द्वारा, और उस नोटिस में ये लिखा गया है कि यह अस्पताल बंद है। यह अस्पताल आज दिनांक 8/6/2021 से बंद है और यहाँ पर अब इलाज नहीं होगा, क्योंकि इस अस्पताल को सील कर दिया गया है। जिस तरीके से इस अस्पताल का मॉकड्रिल का वीडियो सामने आया था, जिसमें बताया जा रहा है कि कथित रूप से 22 मरीजों की जान चली गई थी, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है इस अस्पताल पर। और एक और खबर इस अस्पताल से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि इस अस्पताल को जैसे ही सील करने की खबर आई, उससे पहले अस्पताल के कर्मचारियों और वहां मौजूद मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट भी की गई। अस्पताल को सील करने से पहले यहां भर्ती 55 मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। जिन मरीजों की हालत ठीक है उन्हें डिस्चार्ज किया गया है, और जिनकी हालत अभी गंभीर थी उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिफ्टिंग के दौरान जबरदस्त बवाल भी हुआ। अस्पताल पर कड़े एक्शन की मांग के लिए जमा प्रदर्शनकारियों और अस्पताल स्टाफ में झड़प हुई। इस दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला किया और एक दूसरे को दड़ा दड़ा कर पीटा। आगरा के अस्पताल में मौत की मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद से ही हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। आगरा से कुमार सोनू की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आपको इस अस्पताल में हंगामे और बवाल की तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस वक्त हम आगरा के पारस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो पारस अस्पताल है उसे पूरी तरह खाली कर दिया गया है। जो यहाँ पर कल तक 55 मरीज भर्ती थे उन्हें दूसरे अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जिला प्रशासन ने इस अस्पताल को सील करने का आदेश दिया है। फिलहाल आप देखें तो यहाँ पर जो बाहर दरवाजा है उस पर बोर्ड भी लगाया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि अस्पताल आज दिनांक 8/6 से बंद है, यानी कि कल से ये बंद हो गया है, किसी भी मरीज का इलाज नहीं होगा और आज इसे सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। डॉक्टर साहब सारा खाली हो गया पूरा? जी सर जी, हाँ जी, नहीं सर, और अस्पताल का कोई काम करने वाला कर्मी कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल, आपको अस्पताल के अंदर की हम तस्वीरें दिखाएं तो आपको यहाँ पर एक दो जो है कर्मचारी मिलेंगे, जो केयर टेकर हैं हॉस्पिटल के वो मिलेंगे। इसके अलावा पूरे जो अस्पताल है पूरा अस्पताल वो खाली कर दिया गया है। आप देखें ये वार्ड है, ये तमाम वार्ड जो हैं वो खाली कर दिए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि पूरा हॉस्पिटल खाली कर दिया गया है, 55 मरीज यहाँ पर भर्ती थे। दरअसल लापरवाही का आरोप लगा, जिसके बाद अस्पताल के जो मालिक हैं डॉक्टर अरिंजय जैन, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 22 लोगों के छटने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद जांच कमेटी बैठी और जांच कमेटी के बाद डीएम ने यह आदेश किया कि इस अस्पताल के तमाम मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद इस पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। फिलहाल महामारी एक्ट के तहत जो है अस्पताल पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस अस्पताल के बाहर जमकर मारपीट भी हुई। अस्पताल के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग को लेकर आसपास के लोग, सियासी दलों के कार्यकर्ता जमा हो गए, नारेबाजी हुई और फिर अस्पताल के स्टाफ और प्रदर्शनकारी में जबरदस्त झड़प हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पारस अस्पताल के बीच में देख सकते हैं यहाँ हाथापाई हो रही है दो गुटों के बीच में। दरअसल कुछ लोग अस्पताल प्रशासन का विरोध कर रहे थे, जिसमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से और कुछ जो बाहरी प्रदर्शन करने के लिए आए थे उनमें हाथापाई हो गई है। पुलिस यहाँ पर मौके पर नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें अस्पताल प्रशासन और जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग वो पहुंचे हैं और हाथापाई हो रही है, जमकर लड़ाई हो रही है और मारा जा रहा है एक दूसरे को। फिलहाल आज सील करने के आदेश हुए थे, आप तस्वीरें देखें, बिल्कुल तस्वीरें देखें कि कितनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, खून निकल गया है और घायल हो गया है, लेकिन बावजूद इसके कोई नहीं रुक रहा, लगातार मारा जा रहा है। आप देखें ये तस्वीर पारस अस्पताल के बाहर की है, जहां पर आप देखें ये एक दूसरे को दोनों गुट जो है लड़ रहे हैं, जिसमें अस्पताल प्रशासन
भैया कौन कौन लोग है, कहां से आए थे आप? हम शिवसेना से हैं, हम इतनी मांग लेकर के आए थे, जो आज कार्रवाई करनी चाहिए थी वो प्रशासन ने नहीं की है, और ये बिल्कुल प्रशासन इसमें लिप्त है, क्यों इनको बचाया जा रहा है? क्यों हाथापाई? कोई स्टाफ के अंदर स्टाफ से आए थे, उन्होंने बोला आप यहाँ पे हंगामा मत कीजिए, हम शांति से साइड में खड़े हुए थे, उनने आते ही हाथापाई किए, यहाँ पर डंडे चला रहे हैं झाड़ू में से निकाल निकाल करके। क्या यही प्रशासन और ये आपका ये किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है कि खुलेआम मीडिया के सामने ये लोगों को मार रहे हैं? अस्पताल से आप हाथापाई क्यों कर रहे थे? नहीं कोई हाथापाई नहीं कर रहा, सुनिए सुनिए सर, आप भी कहीं कैमरे में देखते मैंने हाथापाई की? नहीं नहीं, आप देखिए सर गुंडागर्दी कर रहे थे। अरे भाई सर मैं बाहर अंदर से निकल के आया हूँ, मैं सर अभी अभी आपके सामने ही अंदर से निकल के आया हूँ दौड़ के, मैंने इन्हें पकड़ा है, ये सर भारी अराजक तत्व आए हुए हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, आप तहकीकात कर लीजिएगा, ये मरीज कहाँ के हैं, ये मरीज कहाँ के बीमारदार हैं, कौन है इतना पता करिए सर प्लीज। तो आप मारा क्यों? मैंने सर मैंने आप देख लीजिए, मतलब आपके प्रशासन अस्पताल में दौड़ के आया हूँ सर, कौन अंदर मरीजों के पास जा रहे हैं, जो लोग मरीज अंदर सीरियस हैं सर, प्रशासन के आदमी यहाँ पे क्यों होंगे? दूसरा क्यों है, लड़ाई क्यों है? क्यों अरे हमने जब मुद्दा उठाया कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए, 22 मौतों का गुनहगार कौन है? 22 मौतों का गुनहगार कौन है? इनका संरक्षण इन्हें प्राप्त है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी यहाँ पर कि हमें मार रहे हैं? हमने शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी की मांग की यहाँ पर, उसके बाद में हमारे साथ मारपीट की जाती है। हॉस्पिटल को सील करने का ऑर्डर आया तो यहां से शाम होते होते मरीजों की शिफ्टिंग शुरू हो गई। जिस वक्त यहां से मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त हमारे संवाददाता कुमार सोनू भी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने एक और रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। अस्पताल से मरीजों का निकलना अब शुरू हो गया, आप देखें तस्वीर, ये पारस अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, जो मरीज भर्ती थे अब उन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ जो मरीजों के परिजन हैं वो अपने मरीज को खुद लेकर जा रहे हैं डिस्चार्ज करा के, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें कह दिया है कि अपने मरीज को आप दूसरी जगह भर्ती करा लें, यहाँ से आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आज जिला प्रशासन की तरफ से अस्पताल को सील करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल 55 मरीज यहाँ पर थे जिन्हें अब एक एक करके निकाला जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए, कुछ अपने आप ही यहाँ से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो कुछ जो है एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से जा रहे हैं। आप देखें एम्बुलेंस में यहाँ पर एक मरीज को ले जाया जा रहा है, फिलहाल पारस अस्पताल को सील करने का आदेश हुआ है, जिसके चलते तमाम मरीज अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकलना शुरू हो रहे हैं। इससे पहले मरीजों की शिफ्टिंग के ऑर्डर पर भी हंगामा हुआ, जिन मरीजों की हालत नाजुक थी उनके परिजन यहां से जाने को तैयार नहीं थे। पारस अस्पताल को सील करने का आदेश हुआ तो मरीजों को भी अब शिफ्ट करने की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो मरीजों के जो परिजन है वो हंगामा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगपी है। क्या दिक्कत है? मेरा पेशेंट एसडीयू के अंदर एडमिट है, पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, उसका पेट फूला है, एब्डोमिनल दिक्कत है, पेशेंट इतना सीरियस है बाहर जाएगा मर जाएगा। क्या कह रहा है अस्पताल? जिम्मेदारी कौन लेगा? अस्पताल कह शिफ्ट करा लो जाके, कहां ले? प्रशासन इस चीज का जिम्मेदार बनेगा? मैं पेशेंट अगर मेरा मर गया, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, कौन जिम्मेदार होगा? कहां ले जाऊं मैं अपने पेशेंट को? आपको अस्पताल कह रहा है अपने मरीज को शिफ्ट करा लो, अपने पेशेंट को शिफ्ट करा जाके, मैं कहां ले? मेरा नाम प्रेमचंद है, मेरा मरीज का नाम संगीता है, मेरे मरीज के लीवर में फोड़ा हो गया जी, आईसीयू में भर्ती है सर, उन्होंने साइन करवा लिए और ये कह रहे कहीं भी ले जाओ मरीज को, अब मैं कहाँ ले जाऊँ? कौन जिम्मेदार बनेगा मेरे मरीज? मेरे पास पैसे भी नहीं है। साइन कराए उन्होंने छुट्टी उस पर साइन कराया, आदेश अनुसार से वो नहीं आया परमिशन कि मैं सील होने वाला है, उस पर साइन करवाए और फाइल पे अपना बिल, तो ये कह रहे साइन करा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम है लखनी यादव है, मेरे फादर आईसीयू में एडमिट है पिछले 14 दिनों से, अब वो ये कह रहे हैं कि ले जाओ, अब वो ये कह रहे हैं कि आप अपने पेशेंट को ले। अब ये बताइए हम इमरजेंसी में अपने पेशेंट को कहां ले जा सकते हैं? कम से कम हमको 3-4 दिन चाहिए, तब हमारे मतलब पेशेंट ऐसा है कि हम उसको एकदम नहीं ले जा सकते, इसलिए हमको कम से कम 3-4 दिन चाहिए, जिसके लिए हम कम से कम उस अपने पेशेंट को अपने सेटअप करके शिफ्ट कहीं कर सके। ऐसा तो कोई है नहीं कि आप लेकर के आप चले जाइए कहीं भी। अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन का वीडियो वायरल हुआ, FIR दर्ज हुई, अस्पताल सील हुआ, तो अब ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिनके घर वाले और रिश्तेदार की इस अस्पताल में मौत हो गई। अब ये लोग अस्पताल के मालिक के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। इन डॉक्टर साहब का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए और मुकदमा दर्ज कर इनके ऊपर जो है हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, जो कि इन्होंने 22 जो मेडिकल हत्याएं इन्होंने की हैं, ऐसे डॉक्टर को कोई अधिकार नहीं है अपना हॉस्पिटल चलाने का। इनका फोन आया 26 तारीख को मेरे पास
जिस दिन का ये वीडियो वायरल हो रहा है, इनका फिर वह फोन आया कि अशोक जी ऐसे ऐसे हम आपके फादर को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये कैसे बात कर रहे हैं कि हम बचा नहीं पाएंगे, आप तो भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए। मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था करके इनके हाथ में आके मैंने सिलेंडर दिया, जम्मो सिलेंडर मैंने इनको दिया। बमुश्किल यहाँ से लेके मैं अपने घर तक नहीं पहुँचाऊंगा, यहाँ से मेरे घर का रास्ता केवल 5 से 7 मिनट का है। इतने में मेरे पास 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद मेरे पास फोन आता 15 मिनट के बाद कि अशोक जी आई एम सॉरी ही इज नो मोर। 26 की नाइट को और 27 की सुबह हम लोगों ने 2 सिलेंडर्स भी मनीषा के लिए अरेंज करके रखे थे जिससे कि कहीं उसको कोई ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। बट ऑक्सीजन की तो थोड़ी सी हमने अरेंजमेंट जो हमने करना था वो हमने कर दिया, बट हॉस्पिटल की तरफ से जो ट्रीटमेंट होना था शायद वो नहीं हो पाया। उसकी नेगलिजेंसी की वजह से मेरे पत्नी की जान चली गई, मेरे पिता की जान चली गई 26 और 27 को। हालांकि अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, वायरल वीडियो को साजिश करार दे रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भी अस्पताल में एक दिन में 22 मरीजों की मौत से इनकार कर रहा है। तो अब ये ऑडियो भी जांच का विषय बन गया है कि क्या इसकी विश्वसनीयता सही है या इसमें मेरे शब्दों से छेड़खानी करके जानबूझ करके षड्यंत्र करके मुझे फंसाया गया है। 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वो संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। तो आगरा के अस्पताल का हाल हमने आपको बताया, किस तरीके से पूरे मामले में कार्रवाई की गई है एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।